एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हम जो है वो जागरान रिजॉर्ट पे थे। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ कि हम आए हैं जागरान रिजॉर्ट पे नीलम वैली में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लें मेरा व्लॉग, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बस हम अभी उठे थे, आधे बंदे सोए हुए हैं, आधे बंदे उठ गए हैं। जावेद उठ गया था, उसे मैंने रेडी कर दिया। शमान सो रहा है, दिल भी सो रहे हैं, उधर शिजा भी सो रही है, वो दूसरे रूम में है, हम इधर दूसरे रूम में। खैर अभी हम जो है वो उठते हैं, रेडी शेडी हो रहे हैं और उसके बाद करेंगे नाश्ता, फिर हम आगे निकलेंगे कहीं। अभी नहीं पता कि किधर जाना है, ये आप आगे आगे देखिए हमने कहाँ जाना है, अभी मुझे खुद भी नहीं आइडिया। तो चले देखते हैं आगे क्या क्या होता है। जावेद को तो रेडी किया तो वो निकल गया बाहर, अंबर लोगों के कमरे में चला गया। और अब मैं रेडी होने वाली थी, मैंने कहा ज़रा मेकअप शेकअप कर लूँ, कपड़े इस्त्री कर लिए मैंने बच्चों के, अपने सबके कपड़े इस्त्री कर लिए क्योंकि लाइट सुबह की गई हुई थी और फिर लाइट आई तो मैंने कहा फटाफट पहले कपड़े इस्त्री कर लिए, उसके बाद दूसरे काम करेंगे। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ। भाई इतना सुकून था ना इस जगह पे, बर्ड्स की आवाज़ें आ रही थी, साथ में पानी की आवाज़ आ रही थी, इतना सुकून और बहुत ही खूबसूरत मंजर था। और ये सूरज भी जो है वो सर पे आ चुका हुआ था और मैं हो रही थी लेट, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ज़रा बाहर का व्यू तो चेक करा दूँ और देखें कि कितना प्यारा लग रहा है। आ गया इधर मेरा बेबी भी आ गया, इसको मैंने नानी करा के रेडी कर दिया था। हाँ जी, मक्खी आ गई उधर से, मक्खी आ गई है, वो मरा हुआ है। ओ चलो आ जाओ अंदर आ जाओ। ये सब छोटा माउंटेन है क्या? ये छोटा माउंटेन है। अरे बेबी, तो खैर बाहर इतनी मतलब धूप है, उस तरह गर्मी है लेकिन हवा भी चल रही है साथ में, बुरा नहीं है इतना मौसम। मैं जो है सोच रही हूँ यहाँ पे बैठ के रेडी होती हूँ क्योंकि यहाँ से अच्छी लाइट भी आ रही है। और खैर इधर तो जो है ना वो पेडेस्टर फैन लगा हुआ है, उसका शोर बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं इसका दरवाज़ा बंद करके ना तो यहाँ पर बैठ के रेडी होती हूँ। चलो भैया, हमने सनस्क्रीन लगा लिया और प्राइमर भी लगा लिया, अब हम जो है कंसीलर लगाते हैं। दाना यहाँ पे बन गया मेरा। हम डील जो है वो अभी नहा रहे हैं और हम बाकी सब रेडी हो गए हैं, पैकिंग भी हमारी हो गई क्योंकि हमने अभी यहाँ से चेकआउट करना है और आगे कहीं जाना है। तो खैर अभी नाश्ता वगैरह करना है, वो बस रेडी हो जाए, बाकी हमारा सामान सब कुछ पैक है, बस अब हम उठाएंगे और निकलेंगे नाश्ता करके। बच्चे भी रेडी हो गए हैं, आसमान भी रेडी हो गया, आ गया मेरा रेडी तो हो गया। अब जल्दी से हम पिक्चर भी बना लेते हैं अपनी फटाफट से, रेडी हो गए अंदर। अभी थोड़ा सा टाइम रह गया इस जगह पे यार, याद आएगा फिर सब कुछ है ना, मिस करना है हमने, इतना मज़े का पानी जा रहा है, ठंड इतनी नहीं है लेकिन फिर भी जो है ना मज़ा आ रहा है। जाहिर है पहाड़ वगैरह है तो मज़ा तो आ रहा है, तो पानी भी है, बच्चों का बहुत दिल है कि पानी में जाने का ना, तो आज हम सोच रहे हैं कि कोई वाटरफॉल हो तो वहाँ कोई देखते हैं कि कहाँ पर है, तो फिर वहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे ना वाटरफॉल पर। अभी तो हमने नाश्ता भी करना है, भूख हम सबको बड़ी सख्त लगी है, तो अदील जो है वो लेट उठे हैं और बस हमारा नाश्ते का हमने कह दिया वो रेडी हो जाएगा, अभी नाश्ता करेंगे। हो गया अदील तो रेडी, हाँ हो गया, चलो चलो बच्चों आ जाओ, नाश्ता रेडी हो गया, कमान आ जाओ शानी। चलो भैया नाश्ता रेडी हो गया, अब हम चलते हैं नाश्ता करते हैं। निकले वॉशरूम से, निकला है दिल साहब भी निकला है। हाँ जी इधर से जाना, शिजा ने नहीं आना, शिजा की आज तो बर्थडे भी है। लेके
जा रहे हैं गाड़ी में रखने के लिए, और ये हम जो थोड़ा बहुत सामान लेकर आए हुए थे ना लेके चलते हैं। ओके भाई बाय बाय कमरे, हम जा रहे हैं। अब फिर पता नहीं हम कब आएंगे, हैं जी। अभी हम यहाँ पे रुके हैं क्योंकि ये यहाँ पे थोड़े से जो है वो रिजॉर्ट सा बना हुआ है, कॉटेज है, कॉटेज और साथ पानी है, तो हमने कहा चलो थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाते। हाथ पकड़ो ना जावी। वाओ ये देखो कितना मोटा पानी है। सही मोटू मोटू पानी है। ये है पुल। हम इधर बैठ गए हैं पानी वाली जगह पे। ये देखे नीचे हमारे पानी और हमने पाँव रखे हुए हैं। जैवी की मैंने निकर चेंज कर दी थी, मैंने कहा निकर चेंज कर दूँ क्योंकि ये तो शायद पानी में बैठ जाएगा। और ये देखिए यहाँ से ये व्यू है सारा, ऊपर से पानी आ रहा है वहाँ से, और ऐसे चेयर्स बनी हुई है बैठने के लिए। और इसको देखिए अब वो रोड है इसके साथ ये पानी, और ये इस जगह साइड पे जगह बनी हुई है। हाँ वो कॉटेज है, उस तरफ भी बैठने की जगह, लेकिन हम इधर पानी में बैठे, हमने कहा जरा पानी में इंजॉय कर लें। वेरी मच सनी डे। हाँ धूप भी बहुत है उधर। टेबो क्या काम कर रहे हो, हैं किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, आराम से जाना, गिर ना जाना। पानी वाली वो बॉटल पड़ी हुई थी वो उठा के उसके अंदर पत्थर जमा करके तो पानी ढाल रहा है, खेल रहा है, अपनी खेल बनाई हुई है इसने। बैठो ना बैठो। यहाँ पे मुझे शौक चढ़ा था कि मैंने पुल के ऊपर बैठ के अपनी वीडियो बनवानी है, और मुझे डर भी इतना लग रहा था क्योंकि ये लकड़ी का पुल था, लेकिन मैं कहा भाई मैं तो चढ़ूंगी। कितना शोर है पानी का है ना दी। ये जगह की दूसरी साइड है, अब यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए थोड़े से, और ये पानी यहाँ से आ रहे अंदर नहीं जा सकते पागल। ये कह रहा है वो डीप है। हाँ जी उधर उधर वो तो बहुत धूप है, गर्मी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी तो ले। ये तो हम लगता है नायग्रा फॉल आ गए। फुहार आ रही है छोटी छोटी। ये झूले ले रहे हैं यहाँ पे, झूले दू, अरे थोड़ा सा तो दूंगी ना। स्लो ही है। दोबारा से अपने गेस्ट हाउस में, और उधर जहाँ पे हमारा बाकी सामान वगैरह पड़ा हुआ था ना वहाँ पे आ गए, और अब हम बनाने लगे हैं। रात को हमने करना है बारबेक्यू, उसके लिए हम जो है वो चिकन लेकर आए थे, अभी उसको मसाला लगा के रखेंगे। और साथ में हम बनाने लगे हैं ये दूध वाली सेवियाँ, ये हम चीज़ें लेकर आए थे यहाँ पे। अभी दूध रखा है, इसको चेक कर रहे थे कि ये छोड़ के गए थे, ये ख़राब तो नहीं हुआ, तो ठीक है ख़राब नहीं हुआ। ये अब चिकन धो रही है, उसके बाद हम मसाला लगाते हैं चिकन को। हमने थोड़ी सी रेस्ट की, वहाँ से वापस आके हमने चिकन को मसाला वगैरह लगा दिया था, और फिर हमने रेस्ट की थोड़ी देर। तो अब हम जा रहे हैं अपर नीलम की तरफ, और क्योंकि शाम हो गई है अब थोड़ी सी, हमने कहा चलो मौसम भी अच्छा हो गया होगा तो अब चलते हैं।
पीछे उसका सारा बाजार जो है वो नीलम का गुजरा है और अभी हम आगे जा रहे हैं। ये देखो कितनी प्यारी जगह है। तो आज हम जहाँ से चेकआउट करके आए हैं जागरान रिजॉर्ट से, उसके जो रेट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 3000 से लेके 8000 तक, और जो रूम्स हमने लिए हुए थे उसके चार्जेस थे 4500 उसके चार्जेस थे इंक्लूड टैक्सेस। तो बस लेकिन अभी जो है हम जा रहे हैं अपर नीलम, वहाँ पे हमने स्टे नहीं करना, बस हम वैसे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं। सामने इंडिया का पहाड़ है, ये देखो। इंडिया वाले हेलो इंडिया, इंडिया के सब्सक्राइबर्स। अभी हम जा रहे हैं अपर नीलम और ये अपर नीलम की रोड है। वो देखो, वो सामने इंडिया और वो दरिया। ये रोड बीच बीच में से थोड़ी थोड़ी खराब है, लेकिन जो है ना थोड़ी ठीक भी है, नॉर्मल सी है, चढ़ाई है काफी। इतनी भी ज्यादा नहीं है लेकिन है ही है। कान मेरे बंद हो गए हुए हैं। किसी और के हुए हैं बंद? नहीं, मेरे तो नहीं हुए। नहीं हुए? नहीं, मेरे बंद हो गए हैं। इतना प्यारा गांव है ना बीच में। ओह गॉड क्यूट। अल्लाह जी अच्छा मौसम करते हैं, गर्मी लग रही है हमें अभी तो शाम को। चलो अच्छा मौसम हो गया, दिन में हमने बड़ी गर्मी खाई है। शाम हो गई, अब जरा मौसम अच्छा हो गया। बादल भी आ रहे हैं काले काले, वो देखे वाओ। तारा शहर ऊपर तो गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी हुई हैं। हाँ हमें लग रहा था कोई आई नहीं, हम ही हम हैं। इधर तो बड़े लोग हैं, कितने प्यारे रिजॉर्ट बने हुए हैं। अभी बन रहे हैं, अभी ये बने नहीं है। अभी हम यहाँ से चढ़ के जा रहे हैं ऊपर, व्यू तो ऊपर है। यहाँ पे जी हम पहुंच गए थे अपर नीलम और गाड़ी हमने नीचे पार्क कर दी थी और हम चल के जा रहे थे। वैसे तो गाड़ियाँ ऊपर आ जाती हैं लेकिन पता नहीं क्यों हमने नीचे खड़ी कर दी। और बस यहाँ पे काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स बने हुए थे और हम वही देख रहे थे कि इधर तो बड़े रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, इधर तो बड़े बंदे आए हुए हैं और हमें पता ही नहीं है इधर तो काफ़ी ज़्यादा लोग रह रहे हैं। तो खैर बस ये शाम का टाइम था तो हमने कहा चलो यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा हम रेस्ट कर लेंगे और व्यू इन्जॉय कर लेंगे, साथ में बच्चे भी थोड़े से झूले वगैरह ले लेंगे। ये यहाँ पे भी काफ़ी प्यारे रिजॉर्ट्स बने हुए थे और इनके सामने ये काफ़ी बड़ा सा लॉन था और झूले वगैरह भी लगे हुए थे, तो हमने कहा चलो बच्चे यहाँ पे झूले ले लेंगे और हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाएंगे। बेबी झूले ले रहे हैं, है वो लेना, चलो लेते हैं। कितने का है भाई? 100 का। कौन सा वाला लेना है? जो ये वाला लेना है या प्लेन वाला लेना है? प्लेन लेना है। वाला सादा वाला दे दे बिल्कुल। दोनों सादे? हाँ दोनों सादे। हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा तो यही है। यार मेरे कान इतने शदीद बंद है ना, मुझे अपनी आवाज ही नहीं आ रही। देखिए इतनी प्यारी जगह का ये सत्यानाश किया हुआ है यहाँ पे, गंद फेंक के कूड़ा फेंक के। तो अगर आप लोग अपने साथ खाने पीने की चीजें लेके आते हैं तो उनको साथ एक शॉपर में ढाल कर लेके जाया करिए वापस। हम तो हमेशा यही करते हैं, बेशक इतना सा भी टॉफी का रैपर होगा ना वो भी कभी नहीं फेंका। तो ये देखो यहाँ पे सब उड़ के जाए, इस कोने में आके गन रुका हुआ है। छोटा बेबी हॉर्स का देखे जी, ये लाइन सिर बैठे हुए लोग। 50 रुपए दो नाच सुनाऊंगा। जैसे बैठे हुए यहाँ पे बच्चे ले रहे झूला, वो रहा अभी वो रहा। आज इस लड़की की बर्थडे, क्या खिला रही है? क्या खिला रही हूँ? हाँ आज इसकी बर्थडे लड़की की बर्थडे प्रेजेंट ये होगा कि सारे एड्स पूरे पूरे देखिए। जितने भी पैसे आएंगे इस बेचारी बेरोजगार को जाएंगे। नहीं अंदर दस है, मैं दूसरे वाले बाहर निकले। मैं ये नकली है। नकली होगी तो ये तो डालोगी या तो ऐसी की तस्वीर। गाइस बोल ली तो पड़ी हुई है वो। जैवी वहाँ से धुआं निकल रहा था, भागता हुआ गया है वहाँ पे देखने के लिए। हमने कहा ये कहाँ जा रहा है भागता हुआ, और देखा था वहाँ खड़ा होकर देख रहा था कि धुआं कहाँ से आ रहा है यार। अब आ रहा है वापस। ये मंकी आ गया, ये मंकी कहाँ गया था? कहाँ गया था बेबी? उधर उधर गए थे। क्या देख रहे? मैं हाँ जी वाइट
व्हाइट वाला स्मोक देखने गए थे वहां पे, इसने गेम बनाई हुई अपनी, वो पानी सा है वहां पे इकट्ठा हुआ हुआ, उधर पत्थर डाल रहा है, अपनी गेम बनाई हुई है। अब झूले है ना, आप झूले नहीं ले रहे? झूले नहीं होंगे तो कहेंगे हमने झूले पे जाना है। हाँ, ये कितना प्यारा आसमान लग रहा है। तो भाई लेट्स गो, घर जाके हमने बारबेक्यू भी करना है और टाइम बड़ा शॉर्ट है, हमने कल भी कहीं जाना है, उसकी हमने तैयारी भी करनी है। वो उधर चेक करे जरा, फोटो सेशन हो रहा है। चलो निकलो, जल्दी आओ। इधर देखे, इधर तलवारें बनाई हुई है लोगों ने, सब अपनी दुनिया में मस्त। और वो मेरा छोटा छोटा किधर गया? वो छोटा छोटा उधर दुनिया में मस्त था। और तुम अपनी व्लॉगिंग की दुनिया में? और मैं अपनी व्लॉगिंग की दुनिया में मस्त हूँ। ये हमारा है, ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है, ये बीच में है ना पानी। वो जो लाइट लाइट से ग्रास लग रहा है वो इंडिया है, हाँ। और वो जो डार्क डार्क से ग्रास है वो पाकिस्तान है, है? हाँ जी, ये वाला ये पाकिस्तान है और वो वाला जो है ना ये इंडिया है। हाँ वही ना, सेम बिल्कुल। तो थके हारे हम आ गए वापसी पे, हम भूल ही गए कि हमने हमारा जो है वो गेस्ट हाउस कहाँ पे है, हम आगे चले गए, फिर दोबारा वापस आए। इतने किलोमीटर आगे चले गए तो फिर दोबारा वापस आए, इतने थके हैं अभी, हमने खैर बारबेक्यू भी करना है। और मैंने ये देखिए कितना सामान यहाँ पे खोल के रखा हुआ है, और ये मैंने पैक करना है, कल हमने लेके जाना है। तो बस अभी जैनी भी जो है आधा मदा सोया हुआ है, गाड़ी में सो गया था ये वापसी पे। इधर जी बारबेक्यू हो रहा है और ये सीखें लगा ली हैं हमने कुछ, और वहाँ पे कोयले पक रहे हैं। शुमान का लंच नहीं, सॉरी डिनर, इट्स डिनर ना, दो बर्गर खा रहा है ये शौक में आके, चॉकलेट वाला। चलो अब ये लगाती हूँ। बारबेक्यू चल रही है, बारबेक्यू और साथ हो रही है डिस्को, डिस्को, डिस्को लाइट्स। कोयले थोड़े से हमने दो लफाफे रखे, कहा था रखना तो उन्होंने जो है वो एक लफाफा रखा है, पता नहीं ये पूरा होता है या नहीं, पर चलो डी आउट। ये देखे जी क्या जबरदस्त किस्म की बोरियां बनी हैं, आहा हा हा, कैसी बनी शानी? और अभी ये हमने तीसरा है ना, तीसरा राउंड है ना, हाँ तीसरा राउंड लगाया। और बस ये बाकी तो हड्डियां ही बच गई हैं थोड़ी सी, कॉकरोचेस बहुत आ रहे हैं भाई, मेरे बेटे को बहुत तंग कर रहे हैं कॉकरोचेस। चलो जाओ यहाँ से, कॉकरोचेस चलो भाई खाऊं मैं भी ये इतने कॉकरोच कहाँ से आना शुरू हो गए हैं? ओह अंदर आ गया, किधर है? ओए कहाँ? मारो ना, आशा की बंद कर दिया, खोलो। यहाँ पे जिस कॉकरोचेस ने धब्बा बोल दिया था, पता नहीं उनको शायद चिकन की खुशबू आ रही थी, बाहर निकल आए सारे, इतने ज़्यादा कॉकरोचेस आ रहे थे ना बार बार कि हम साथ साथ उनको भी मार रहे थे, साथ साथ बारबेक्यू कर, हमारा बारबेक्यू जो है वो कॉकरोचेस के उसमें तब्दील हो गया था। तो खैर बस हमने ये बारबेक्यू किया, बड़ा मज़ा आया। तो बस अब खाना खाने वाले हम दोनों ही बचे थे, मैं और अंबर, तो हमने सोचा अब हम भी खाना खाते हैं। तो चलो जी यहाँ पे मैं वीडियो का करती हूँ एंड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये ट्रिप की सीरीज़ कैसी लग रही है। तो चलो जी मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।